युवा वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग हो, हर वर्ग का ध्यान रखने का काम कांग्रेस की सरकार ने उस समय किया। वो 2 रुपए केलो गेहूं, वो पेंशन की योजना, वो मुफ्त दवाएं, वो अगर किसी ने दी थी तो वो कांग्रेस के राज ने दी थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा ने इन तमाम योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाला है। आज हम गांव गांव घूम रहे हैं, 2 साल के अंदर पेंशन बंद हो गई है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। पहले पोस्टमैन आता था, पेंशन देता था, घर घर जाकर के देता था, पोस्टमैन अब आने बंद हो गए क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पेंशन योजना को इन्होंने बैंकों में ट्रांसफर कर दिया। फिर बैंकों से कहा कि इनको कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। हमारा गरीब जो व्यक्ति है जिसे पेंशन मिलनी चाहिए थी, वो बुजुर्ग व्यक्ति, वो कागज जो कार्रवाई के अंदर ही कागज लिख लिख के घिस गए उसके हाथ। यहाँ जहां भी हम लोग जा रहे हैं वो